नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार। दुनिया में ऐसी अनेकों ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती है जिसके बारे में सुन या उसे देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुन शायद आपकी रूह कांप जाए। दरअसल इंडोनेशिया में एक ऐसा कबीला है जहाँ पर महिलाओं की उंगलियों को काट दिया जाता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हाथों में अब तक एक भी उंगली नहीं बची। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे इन महिलाओं को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दुनिया में हर जगह अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ रीति रिवाज और रस्में ऐसी होती है जिसमें लोग खुशी खुशी भाग लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती है जो लोगों को अंदर तक झकझोर देती है। आज हम आपको ऐसी ही एक परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल इंडोनेशिया में एक ऐसा कबीला है जहां किसी की मौत हो जाने पर कबीले की महिलाओं की उंगलियां काट दी जाती है। इस कबीले का नाम दानी कबीला है जो पापुआ गिनी के तहत आता है। यहां करीब 2.5 लाख आदिवासी रहते हैं। इस कबीले में एक अनोखी परंपरा है। जब यहाँ किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उस शख्स के घर की ही एक महिला की उंगली काट दी जाती है। इसमें सबसे पहले महिला की उंगली को कुछ घंटों के लिए कपड़े से कसकर बांध दिया जाता है ताकि वहाँ खून का प्रवाह रुक जाए। इसके बाद किसी धारदार हथियार से उंगली को नाखून तक काट दिया जाता है। इस कबीले में कई महिलाएं ऐसी है जिनके हाथों में एक दो नहीं बल्कि कई उंगलियाँ कट चुकी है। वही इस कबीले में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं तो अपनी सारी उंगलियां ही गवा चुकी हैं। जब यहाँ रहने वाले लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क दिया। लोगों का कहना है जब यहाँ किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तब उस परिवार की महिला द्वारा उंगली का दान दिया जाता है। लोगों का मानना है ऐसा करने पर शख्स भूत बनकर परिवार को नहीं सताता। कबीले की इस परंपरा को निभाने के चक्कर में कई महिलाओं को असहनीय दर्द झेलना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया है, लेकिन आज भी कई लोग इस प्रथा का पालन करते हैं।